सो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने होटल से, तो हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं विच इज़ 200 किलोमीटर। तो देखते हैं हम अपने डेस्टिनेशन को कवर कर पाते हैं या हम डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो अभी हम टायर्ड हैं, हमने बस यहाँ पे थ्री टू फोर आवर्स का रेस्ट लिया है और बस यहाँ से जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे लाइट सा और फिर यहाँ से हम पहले भरवाएंगे पेट्रोल। तो गाइस राफ्टिंग देखने के बाद थोड़ी सी आगे हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक लेने की वजह ये थी कि जो हमारी बाइक थी उसके जो बैग्स थे वो ओपन हो गए थे, तो मैंने वो पीछे पहले ही मिरर में देख लिया था। तो मैंने यहाँ पर पहली स्टॉपेज ले लिया, फिर अभी हम बाइक आने के बाद जो बैग है प्रॉपर ओपन हो गया था, वो अभी यहाँ पर मैंने रोककर पूरा बैग वैग सेटअप किया। फिर हम यहाँ से जो राफ्टिंग वाला एरिया है उसको क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ निकल गए। तो जब यहाँ से आप आगे के लिए निकलते हैं तो यहाँ आपको रास्ते में ही एक शिव जी का बहुत ही सुंदर टेंपल आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपकी स्क्रीन पर कम्प्लीटली आ रहा होगा, तो डू विज़िट। सो गाइस फाइनली हमारी जो पहाड़ों की जर्नी है वो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई थी। हमने जब ऋषिकेश से स्टार्ट किया था थोड़ा सा ऊपर हमने क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है, जो हम जब यहाँ से ट्रिप से वापस आएंगे तो इस पर 1000 किलोमीटर का रिव्यू बनाएंगे माउंटेन्स पे कि जो हमारी स्कूटी है वो कैपेबल है या नहीं है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि एक रिक्वेस्ट है बेसिकली, तो जब भी आप पहाड़ों पे जाएँ तो सेफली ड्राइव करें, क्योंकि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लियरली देख रहे होंगे कि कहीं कहीं जगहों पे काफ़ी लैंडस्लाइड थी। तो एटलीस्ट आप जैकेट नहीं तो एटलीस्ट एक आप प्रीमियम हेलमेट ज़रूर लेकर जाएँ और उसको पहने, और ग्लव्स भी ज़रूरी हैं। बट मैंने ग्लव्स इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं कैमरे को भी ऑपरेट कर रहा था, बट येस आई एम वेयरिंग जैकेट। तो अगर आप ऐसी जर्नी रेगुलर करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपकी आपको आप प्रॉपर गियर्स के साथ करें। तो यहाँ से है केदारनाथ 143 किलोमीटर, जोशीमठ 184 और 227 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे आगे? यहाँ से कर्णप्रयाग, उसके बाद देखते हैं बद्रीनाथ भगवान ने चाहा तो। जो हमें जाना है यहाँ से, हमारा जो रूट है वो 33 किलोमीटर श्रीनगर का है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं श्रीनगर, यहाँ से आप देख सकते हैं 44 दिखा रहा है और 36 ऊपर श्रीनगर के लिए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं श्रीनगर और फिर वहीं पर हम अपना करेंगे लंच और फिर वहीं पर जा, तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं। बट यस बाइक पे एक हेल्प हो जाती है कि आप साइड से निकल सकते हैं इजीली, बट यहाँ देख सकते हैं ये कम्प्लीटली हॉल्ट है, कैसे निकल सकते हैं यहाँ से, गाड़ियाँ बिल्कुल फंस चुकी हैं। ये ट्रक निकल रहा है यहाँ से, कम्प्लीटली ट्रक को रास्ता दिया गया है।
ये लेफ्ट में जा रही है नदी, वो जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाया था दो नदियां जहाँ पे जाके मिलती हैं उसमें से ये है एक नदी जो ये यहाँ आपके दिख रही होगी। अमेजिंग। थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। कम्प्लीटली अभी ट्रक को सारी गाड़ियों ने साइड दिया है, सामने से भी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेने का यही मतलब है कि ये ट्रक जो है थोड़ी सी साइड ले रहा है। तो ये निकल गया है ट्रक, ये ट्रक निकलने के बाद ही हम यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। अगर आप पहली बार आए हैं या कुछ हैं तो ये कि थोड़ा सा रूल बना लीजिए, अगर कोई भी बड़ी गाड़ी जा रही है तो इससे थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखिए, क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ रही होती है तो ये थोड़ा सा बैक भी मारती है, तो इससे कभी भी चिपक के नहीं चलना चाहिए, तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। तो अब ये निकल गई है, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को निकलना पड़ेगा। तो अभी हमें क्रॉस राइट से ऑप्शन नहीं था तो लेफ्ट से काफ़ी स्पेस थी, हॉर्न देके मैं यहाँ से निकल गया हूँ और काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है। अब यहाँ से श्रीनगर का रास्ता देखते हैं कैसा होता है, मिलते हैं चलो आपसे श्रीनगर में। सो गाइस, यहाँ श्रीनगर पहुँचने के बाद हमने हैप्पी होम फैमिली पर अपना लंच किया और लंच बहुत ही सिंपल और अमेजिंग था। तो लंच करने के बाद हम यहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट। चले जा रहा हूँ मैं। बस एक बार पेट्रोल डलवाएंगे, टैंक को फुल करवा देंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फ्यूल अप कराने के बाद हम सीधा अपने नॉन स्टॉप 2-3 आवर का जो रूट है वो कवर करेंगे, फिर हम बताते हैं कि हम कौन सी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। थोड़ी सी ही दूर जाने के बाद ये लाइक 5 किलोमीटर बाद ही हमें ब्रेक मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड था उसको क्लियर करा जा रहा था। तो अच्छा हमने पहले ही लंच कर लिया, वरना हम अगर यहाँ पर आके फंस जाते और उसके हम लंच के लिए भी हमें बहुत लेट हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये इसका साइड का व्यू था, क्या कर सकते थे। यहाँ पे 30 मिनट्स का हमें एटलीस्ट हॉल्ट लेना पड़ा, क्योंकि ये जो एरिया था आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ों का एरिया यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ से लैंडस्लाइडिंग के चांसेस थे, तो इस एरिया को बेसिकली क्लियर करा जा रहा था। तो और अब यहाँ से हम फ्री होकर अब हम आगे के लिए निकल गए। सारी बाइकें निकल रही हैं। अच्छा हम खाना खाने के लिए रुक गए, नहीं तो हम खाना भी ना खा पाते। तो बस खाना खाकर आ ही दे दो, और यहाँ पे हम बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं वेट करा, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे पर हमें सिर्फ 10 मिनट ही हुए। तो अच्छा हमने वहाँ पे रेस्ट कर लिया थोड़ा सा, और हमने अपना स्केड्यूल बनाया कि हम 4 बजे निकलेंगे। तभी बज रहे हैं 4:27। तो आपको ये राइट साइड में दिख रहा होगा, ये पूरा भी ये एरिया में बहुत कोहरा था, तो लैंडस्लाइड भी है और थोड़ा सा यहाँ वर्क हो रहा है, बेसिकली इस एरिया को सही करा जा रहा है, तो इसलिए हाफ एन आवर के लिए शायद ये स्टॉप किया गया था और ये अभी खोल दिया गया है जाम को। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं श्रीनगर से आगे। अभी हमारे जो अभी हमें 80 किलोमीटर और जाना है, तो वो एरिया कवर करेंगे और फिर हम करेंगे आज के दिन का दी एंड, और फिर हम नेक्स्ट डे आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे। थोड़ा सा और रास्ता आ गया है ऊपर खबड़ का, है तो कम्प्लीटली एक्सट्रीम है। तो पहले इतने फास्ट लेकर आए और एकदम उल्टा सा आ गया, तो बस भैया ठीक है करेंगे, ये हमसे हिम्मत बन पाएगी। ये है लेफ्ट साइड गए तो गए, तो ये चीज़ है जो थोड़ा सा हमें संभाल कर चलना चाहिए।
तो यहाँ एक और चेकिंग है, देखते हैं। गोपेश्वर है? अभी तो रात को तो कंड पैर गए, सुबह गोपेश्वर। गोपेश्वर जाओ। तो हमने गोपेश्वर बोला है, वहाँ हमारे फ्रेंड का घर है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग जा रहे हैं, जो भी यहाँ से लगभग 1 hour या 90 minutes में हम पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ हम स्टे लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है, बट हमें आज का रास्ता तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। तो अंधेरा ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो यहाँ से थोड़ी सी जर्नी हमारी और टफ होने वाली। अभी यहाँ से हमें अराउंड 30 kilometers और जाना है जोशीमठ के लिए। सो ये है एक और, ये शाम का नज़ारा है यहाँ का जो बिल्कुल। अब यहाँ से जो रोड है वो थोड़ी सी नैरो हो गई है, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग थोड़ा मुश्किल होगा, और हमें हॉर्न का ज़रूर यूज़ करना चाहिए कि सामने से कोई भी गाड़ी आ रही हो और दिखती नहीं है कई बार। सो गाइस, यहाँ पे 6 बजे के बाद कम्प्लीटली अंधेरा हो जाता है, और जो हमारी जर्नी थी वो 25 kilometers की बची थी। तो एनी हाउस जो हमें कर्णप्रयाग पहुँचना था, वो हमें एनी हाउ हमें वहाँ पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर हमारा होटल ऑलरेडी बुकड था। तो फिर यहाँ से मैंने सिंपली अपनी जो स्कूटी है उसको हाई बीम पे कर और हमने सिंपली इस एरिया को जितनी जल्दी हो सके क्रॉस करने की कोशिश करी। सो गाइस, अभी हल्की हल्की बारिश हो गई है, हमने सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया है, जिसमें हमने मोबाइल्स को हमने पॉलीबैग्स में डाल दिया है। तो यहाँ एक पेट्रोल पंप मिल गया था, यहाँ शेड पे हम रुक गए हैं। तो यहाँ से अभी है 15 kilometers। तो अभी हम बेसिकली पहुँचे हैं हिमागिरी, ये है हिमागिरी फिलिंग स्टेशन, बद्रीनाथ मार्ग NH 58, कमेला, गोचर, चमोली। अभी हम चमोली में हैं, तो बस यहाँ से आगे निकलते हैं, फिर 15 kilometers बाद अपने होटल पे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और अभी हो रहे हैं, अभी टाइम और ज़्यादा नहीं हुआ है, 6:38 है, बट पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 बजे से ही हमें कुछ भी दिखना बंद हो गया था। तो बस अब हम आगे निकल रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल अंधेरा है। अभी मैं बाइक की स्कूटी की हाई बीम पे चल रहा हूँ, तो सम हाउ हाई बीम इज़ कैपेबल। सो हेलो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7, तो कल ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे, तो अभी ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड ब्लॉग था। तो अभी इसको हम एड कर रहे हैं, ये था हमारा ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग का। तो अभी हम यहाँ रुके हैं कृष्णा पैलेस में, तो एक बार मैं रूम की हालत दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारे रूम की हालत है, कल हम वापसी में आते आते तो बारिश हो गई थी, तो सारा सामान हमारा भीग गया था, तो सम हमने सब कुछ ओपन करके रख दिया है। तो अब यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो है बद्रीनाथ की। तो अब यहाँ से हम जाएंगे बद्रीनाथ, जो यहाँ से 120 kilometers है। तो देखते हैं हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, नहीं तो हम वहाँ से फिर हम जो उनके आसपास के डिफरेंट लोकेशन हैं उनको कवर करेंगे। तो अभी के लिए ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। तो सो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए।